हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की धूम विद प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए मैंगो साबुदाना की टेस्टी सी खीर लेके आई हूँ, जिसे आप उपवास में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैंगो साबुदाना की टेस्टी सी खीर बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा लीटर दूध लिया है। दूध को हमें गर्म करना है, हमें इसकी क्वांटिटी को रिड्यूस नहीं करना है या दूध को बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। एक बॉयल आने तक आप इसे इस तरह बॉयल होने दीजिए और उसके बाद जब इसमें एक उबाल आ जाए तो इसमें आधा कप साबुदाना हम ऐड करेंगे। नॉर्मल साबुदाना है जिसे मैंने 4 से 5 घंटे सोक कर लिया था पानी में और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया, छान लिया, अच्छे से धो लिया और इसे ही दूध में ऐड कर दिया। अब हम बस इसे इस तरह चलाते हुए कुक करेंगे, क्योंकि साबुदाना नीचे बहुत आसानी से चिपक सकता है बर्तन में, इसलिए इसे लगातार चलाते रहिए। ये देखिए, ये जो साबुदाना है ये फूल भी गया है और इस तरह से ट्रांसलूट भी हो गया है, मतलब ये कुक हो गया है। तो 4 से 5 मिनट में ये कुक हो जाते हैं। अब आप इसमें स्वाद अनुसार शुगर ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो फटाफट से ये खीर बनकर रेडी हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर काजू, पिस्ता, बादाम ऐड किया। स्वाद के लिए मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिला लीजिए और एक बॉयल आने का वेट करिए। पर ध्यान रखिए, लगातार इसे चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा और जब साबुदाने की खीर या कोई भी खीर हम बनाते हैं वो चिपक जाती है तो टेस्ट में अच्छी नहीं लगती है। खीर में अच्छे से उबाल आ चुका है, साबुदाना भी कुक हो गया है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से हम ठंडा होने देंगे। जैसे जैसे ये खीर ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, हमने इसे पूरी तरह से ठंडा कर लिया और अब आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे से ये गाढ़ी हो चुकी है। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब आप इसमें आम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 मैंगो का पल्प ऐड कर रही हूँ। मैंगो की क्वांटिटी बिल्कुल आपके टेस्ट पर डिपेंड करती है, जैसा मैंगो आप यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा मैंगो होगा कलर भी उतना अच्छा आएगा। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए, टेस्टी सी मैंगो की खीर बनकर हो गई है रेडी। बहुत ज़्यादा कोई मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी। अब आप चाहें तो इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद ठंडी ठंडी मैंगो खीर सर्व करिए। बहुत मज़ा आएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, आप उपवास में भी इसे खा सकते हैं। यहाँ मैंगो खीर सर्व करते समय मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इस तरह से ग्लास में भी डाल दे रही हूँ और उसके ऊपर से हम ये खीर डालेंगे। बीच में भी आप चाहें तो बनाना के क्यूब्स डाल सकते हैं, पोमोग्रेनेट डाल सकते हैं, बिल्कुल आपके टेस्ट पे डिपेंड करेगा। आप जितना चाहें इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं सर्व करते समय। तो मैंने इस तरह से खीर डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से मैंगो की क्यूब्स डाल रही हूँ, उसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी और ठंडी ठंडी मैंगो खीर मैं सबको सर्व करूंगी। तो आप बताइए, आप कैसा खाना पसंद करते हैं, ठंडा या गरम गरम? बहुत ही टेस्टी बनकर ये खीर रेडी हुई है। जल्दी से जल्दी आप भी इसे ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।